में लापरवाही का नतीजा है। झाड़ू पोछा भी करो और चमकाओ। इससे पहले कि आप कमेंट्स में लिखना चालू कर दो क्योंकि ओ माय गॉड दीदी आपको क्या हो गया, प्लीज तो ना प्लीज अपना ध्यान रखना। मैं आपको तसल्ली देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप प्लीज घबराइए मत। ओके। तो जैसे कि आप इस टाइटल की वीडियो में देख सकते हैं, आज मैं आपको मेरा हेल्थ अपडेट देना चाहती हूँ। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जन्म बचपन में हो गया था और माँ मेरी लेडी थी, इतना भी स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना था। अच्छा ठीक है, मैं मेरे मम्मी पापा की पहली संतान हूँ, उसके बाद में मेरे दो छोटे भाई हैं अजय और अभय। और आप प्लीज मुझे कमेंट में कंफर्म करके बताना कि जो पहली संतान होती है ना उससे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा उम्मीद रखते हैं, और जो घर में सबसे छोटा होता है ना तो उससे इतना प्यार करते हैं और उससे कोई भी उम्मीद नहीं होती। जब मेरा छोटा भाई टाइम पर उठ जाता है ना सुबह, तो मेरे मम्मी पापा घर में पार्टी रखते हैं, 10 पकवान अलग अलग बनाते हैं। लेकिन जब मैं स्कूल से 99% लेके आती थी ना, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि अरे बस 99 ही 1% खा गया, वो बाकी का 1% यहाँ पर मेरी टी शर्ट पर है। लेकिन एक्सपेक्टेशन के अलावा जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बहुत ही एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होते हैं जो पहला बच्चा होता है ना, क्योंकि वो भी पहली पहली बार पेरेंट्स बने तो उनको भी पता नहीं होता ना कि बच्चे को कैसे पालते हैं। जब मैं 6-7 साल की थी ना, तो मैं इंडिया से इटली शिफ्ट हो गई थी, और उस टाइम मेरे यहाँ पर जो जॉ है ना वहाँ पर बहुत दर्द होता था, क्योंकि मैं रात को आई थिंक स्ट्रेस की वजह से, डर की वजह से, पता नहीं क्यों, क्योंकि नई जगह थी, नया माहौल था, तो मैं दांत बहुत ही जोर से बंद कर सोती थी, तो उसकी वजह से मेरे यहाँ पर पूरा दर्द स्टार्ट होने लग गया। तो मम्मी पापा को बहुत चिंता हुई कि अरे मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, तो मुझे डेंटिस्ट के पास लेकर गए, और डेंटिस्ट ने बताया कि ये जो पूरा दर्द है ना वो मेरे पैर से कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से मैं 10 साल तक डेंटिस्ट गई ताकि कि मेरे पैर दोनों सही हो जाए, और अभी ऑफकोर्स बिल्कुल सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैं 10-12 साल की हो गई ना, तो प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई, मतलब कि आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, आपका पीरियड स्टार्ट होने लग जाता है, तो ऑफकोर्स आपके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल भी आने लग जाते हैं। तो मेरी मम्मी का क्या था कि उनकी लाइफ में कभी भी उनके पिंपल्स नहीं आए, तो जब उन्होंने देखा कि मेरे पिंपल्स आ रहे तो मम्मी बहुत डर गई। मम्मी ने सोचा कि अरे मेरी बेटी की थोबड़ी पर क्या हो रहा है, ये पिंपल्स क्यों आ रहे, तो उसकी वजह से वो मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेकर गई। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही क्यूट है, उनको लगता था कि अगर मेरे पिंपल्स आएंगे ना तो मेरी सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी जब मैं मिडिल स्कूल में जाती थी ना, तो वहाँ के मेरे जो सारे क्लासमेट थे ना वो मुझे बुली करते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, और मैं हर दिन जब भी मैं घर पर जाती थी ना तो मैं रोती रोती घर पर जाती थी। तो उसकी वजह से मम्मी ने सोचा कि उसके ऑलरेडी मजाक उड़ा रहे हैं, तो कम से कम ये तो जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है ना वो तो थोड़ी कम कर देते हैं। और एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने एक पता नहीं कैसी काला जादू वाली दवाई दी थी, जो कि मैंने 6 महीने यूज करी, और उसके बाद में मेरी लाइफ में कभी भी जो एक्ने होता है ना उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऑफकोर्स मेरे कभी कभी पिंपल एक दो आ जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर एक्ने होता है ना, जो मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे आता है ना, वो कभी भी नहीं आया। दांतों की प्रॉब्लम ठीक कर दी, स्किन की प्रॉब्लम ठीक कर दी, उसके बाद में ऑफकोर्स मेरी आंखों की प्रॉब्लम शुरू हुई। एनीवे मेरी आंखों की आई साइट थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई थी, और मेरा हमेशा इंटेंशन ये था कि मैं बड़ी होकर जो ट्रीटमेंट होता है ना लेजर वगैरह आंखों का आई साइड का वो वाली करवाऊंगी। जब मैं कोरिया में आई थी तो मुझे पता था कि कोरिया में जो आई सर्जरी है ना वो बहुत ही डिवेलप है, तो मैं यहाँ पर ही करवाऊंगी। तो मैंने 1 साल तक जॉब करके पैसे बचाए, क्योंकि लगभग 2 लाख उस टाइम 2 लाख रुपए लगते थे आई सर्जरी करवाने के लिए, तो मैंने पैसे बचाए। और जो बिग बॉस आंख वाला जो बिल्डिंग है ना वो आई हॉस्पिटल है, तो मैं वहां पर गई थी बहुत ही उम्मीद लेकर। तो डॉक्टर ने पूरे चेकअप करे और उन्होंने बताया कि पूनम तू आई सर्जरी नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी आंख जो कॉर्निया है ना वो बहुत ही पतली है, और इतनी पतली कॉर्निया पर हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप इमेजिन करें कि मैं 1 साल तक पैसे बचा रही हूँ, और मेरी उस टाइम ये भी था ना कि जो मेरी धीरे धीरे आई साइट और भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, पूरा दिन कंप्यूटर पर रह रही थी, तो मैं चाहती थी कि मैं आई को मेरे जो आई साइट है ना उसको ठीक कर दूं उससे पहले कि और भी इतना खराब हो जाए कि कुछ कर भी ना सके। लेकिन उस टाइम डॉक्टर ने एक अच्छी बात बोली थी, बोला था कि कोरिया बहुत ही एडवांस्ड है, शायद 3-4 साल बाद में एक नई टेक्नोलॉजी आएगी जो कि जो थिन आईज होती है ना उसको ठीक कर सकती है। तो फाइनली अभी वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो आज हम सोल जाएंगे और होपफुली इस बार शायद मैं एलिजिबल हो सकती हूँ आई सर्जरी के लिए। और आई सर्जरी के साथ उस हॉस्पिटल में ना जो स्किन केयर होता है ना वो वाला भी करवाते हैं, तो आज हम फ्री फंडे में आई चेकअप करवाएंगे, कंसल्टेशन करवाएंगे कि मैं सर्जरी कर सकती हूँ या नहीं, और उसके बाद में जो स्किन केयर है ना वो वाला भी करवाएंगे। सो ये रहा मेरा आज का फैशन, ये रही ग्रे कलर की जीन्स, ये रेनबो कलर वाले शूज, और स्वेटर और जैकेट, और ये जो जूते है ना वो नॉर्मल जूते नहीं है, ये चप्पल स्टाइल में जूते बना रखे, तो आप इनको ऐसे पहन सकते हो। लगता है इनका पल का लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। एनीवे मेरी भी बस वहाँ पर ही है। ये रही बस और ये रहा QR कोड।
गाइस, अभी बस रुकी है टॉयलेट ब्रेक के लिए और नाश्ता पानी करने के लिए, तो मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे पिस पिस भी करना है बहुत ज़ोर से। बाय द वे, यहाँ पर ये चेरी ब्लॉसम कितने सुंदर लग रहे हैं। एनीवे, जल्दी से पी पी करते हैं, उसके बाद में कुछ खाने के लिए लेते हैं, क्योंकि आज मुझे स्किन केयर ट्रीटमेंट करना था तो मैंने मेरे थोबड़े पर ज़्यादा मेकअप नहीं लगाया। और जल्दी से कुछ खाते हैं। तो नीचे रहा फ्राइड चिकन और ऊपर रहा राइस केक। यार खाना कितना यम्मी यम्मी लग रहा है। और अभी कुछ कॉफी वगैरह लेते हैं, मैंने सुबह से कॉफी नहीं पी आज। टॉम एंड टॉम्स कॉफी, यहाँ से हम कुछ लेते हैं। मैं मेरे साथ मेरा जो डायसन का स्ट्रेटनर है ना, वो वाला लेकर गई थी। ये वाला वायरलेस है और आप इसको फ्लाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मस्त है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अराउंड 42K, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर मुझे बहुत ही बोर हो रहा था और मुझे बैग में ये नया क्यूशन फाउंडेशन भी मिला, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप कर लेते हैं। फाइनली सोल पहुंच चुके हैं और जल्दी से मेट्रो वगैरह कुछ लेकर वहां पर जो स्किन केयर का शॉप है ना, वहां पर चलते हैं। मुझे मेट्रो नहीं बस लेनी थी तो मैंने बस ले ली। बहुत ही गर्मी है, पंज से भी ज़्यादा गर्मी है यहां पर, मेरे तो पसीने पसीने आने लग गए ऑलरेडी। इवन तो मैं सिर्फ स्किन केयर ही करने वाली हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि ना जब अपने आप को पैम्पर करते ना तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि मैं वो फ्री फंडे में कर रही हूँ, मतलब कि I'm so happy. Okay, पहुंच गए। यार सोल में देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फूल। आज स्किन केयर करने के बाद में मैं भी इतनी सुंदर चिकनी चमकीली दिखूंगी। इस लाइन में आपको सारे जो सर्जरी के होते हैं ना, कॉस्मेटिक सर्जरी के, वो वाले मिलेंगे। इस लॉन्डे ने भी यहाँ से प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। मोटरसाइकिल, लेकिन खड़ी हुई मोटरसाइकिल है, बहुत ही अनलक्की होती है। लेकिन हम प्लास्टिक सर्जरी नहीं करने वाले, सिर्फ जो स्किन केयर होता है ना, जो आई चेकअप होता है ना, वो वाला ही करेंगे। और जिसको प्लास्टिक सर्जरी करनी है वो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको पसंद है, अगर आपके पास पैसे हैं और अगर अनहेल्थी नहीं है ना, तभी आपको करनी चाहिए। जैसा मिनोक्सी आने हो तो क्या खा दे, थोड़ा सा योगी। एनीवे, जैसे कि आपको पता होगा कोरिया में जो प्लास्टिक सर्जरी है ना, वो बहुत ही प्रोमिनेंट है और आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिसने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। बहुत सारे लोग जो सिंपल वाली प्लास्टिक सर्जरी होते हैं ना, वो वाली करते हैं। ये वाली बिल्डिंग नहीं है। और यूजुअली सबसे सिंपल प्लास्टिक सर्जरी वो जो डबल आईलिड की होती है ना, वो वाली बहुत सारे कोरियन लोग करते हैं, और वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी आंखें और भी बड़ी बड़ी दिखे और सुंदर दिखे। फाइनली जगह मिल गई मुझे, यहाँ पर आई सेंटर में जाना है जो कि है 8th फ्लोर पर। नहीं। फिर बाद में मुझे ये स्वीट सी सुंदर सी लेडी मिली और उन्होंने मुझे गरम गरम कॉफी भी बना कर दी। कम कि ये जो डायरेक्टर है ना, वो वाले हैं, काफी फेमस है, टीवी पर भी आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं, ये है नंबर 2, ये रही एक और मशीन। मैंने ये सारी मशीन की है, यहाँ पर भी चेकअप करना है। ये मेरी आँख की फोटो है, देखो संगते होते हैं। मुझे ऑलरेडी से पता था कि मेरी आँख बहुत ही खराब है, बहुत ही पतली आँख है मेरी, तो उन्होंने बोला कि कुछ वो दवाई होती है ना, वो आँखों में डालेंगे, आँखों को बड़ी करेंगे और भी अच्छे से देखने के लिए, तो वो देखते हैं। उन्होंने बोला और भी डालिए।
सो अभी हम जो आई वी होता है ना, जो एनर्जी देने के लिए, वाइटामिन देने के लिए, वो वाला करने वाले हैं। इसके अंदर मल्टी वाइटामिन है जो कि पूरा यहाँ से मेरी बॉडी में जाएगी। मुझे अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे पता भी नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग बटन दबाया भी नहीं, क्योंकि आंखों में इतनी बार वो दवाई डाली है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली मेरी बॉडी में काफ़ी कमजोरी है, काफ़ी वाइटामिन की कमी है, तो उसकी वजह से ये जो फ्लेबो है ना, वो वाला लगाया है मल्टी वाइटामिन का। यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर है। इस एरिया का नाम है खंगनम। ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जब भी खत्म हो जाएगा ना तो मुझे यहाँ पर ये जो बटन है ना, ये दबाना है। कैसे दबाऊं? कुछ दिख रहा ही नहीं है मुझे। ओके, दबा दिया। नहीं था, कनसाया नहीं। 15 मिनट हो चुकी है, वाइटामिन पूरी बॉडी में चली गई। पता नहीं एनर्जी कब आएगी, क्योंकि बॉडी में बहुत कमजोरी हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि ये कर लो। गाइज ये रहे हमारे डॉक्टर। छागी सगी चीजें यहाँ। Dr. Joseph Lee, I'm taking care of her today. यार क्या ही मेरी आँख है? Oh, maybe somebody else's. Ah, okay. I was scared. I was like, what happened? This is 99% of your ocular situation. तो डॉक्टर साहब ने वापस मेरी आँखें चेक करी और उन्होंने मेरी जो आँखें जो बाहर से कैसे दिखती और अंदर से जो ब्लड वेसल है ना, वो भी सारे अच्छे से दिखाए और फाइनली उन्होंने मुझे गुड न्यूज दी कि तो डॉक्टर जी ने बोला कि मैं सर्जरी कर सकती हूँ। लेजक अच्छा लेजक शिबू मैन 10 मिनट्स, इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स टू डू द करेक्शन राइट। अभी मैं स्किन केयर करने वाली हूँ, तो उससे पहले फेस को साफ करना है। फाइनली अभी स्किन केयर करने वाला है। गाइस अभी सारा ट्रीटमेंट हो गया, अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक हफ्ते बाद में बहुत ही सुंदर दिखेगा। यहाँ से कितने सारे गिफ्ट मिले हैं गाइस। वाओ, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब ऐसा हिला हिला हुआ दिख रहा है, डबल डबल दिख रहा है। तो फिर भी मैं इसे साइड में चलने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं किसी को गलती से ठक्कर ना मार दूँ। पहचानो ये कौन है, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लकड़ी। अभी मैं बस स्टेशन पर पहुँच चुकी हूँ ख्वांगजू जाने के लिए, और फाइनली भी थोड़ा सा अच्छा सा दिखने लग गया है। ये रही ख्वांगजू जाने की बस। यार ये आई ग्लासेस कितने अगली हैं, लेकिन लगाने पड़ेंगे क्योंकि इतनी दवाई डाली तो थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गाइस आज के सिर्फ इतना है, आपको आज का भी अजीब करीब ब्लॉग पसंद आया, और मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहना। आई लव यू, बाय। एन है, ये बोल रहे हैं कि जो एन है तो है ना, मैं उनके जैसे दिखती हूँ।